हाय गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो हमने ए बी सी डी ई एफ जी जेड तक हमने बनाया था वो सारा, इसको हम हमारा नाम उन्हें तो कोई भी हम यहाँ पे प्रिंट करके देखेंगे किस तरह से हम एक के बाद एक प्रिंट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मर्ज पैटर्न डॉट जावा इस तरह से मैंने एक बनाया, यहाँ पे पब्लिक बनाया। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एक क्लास डिफाइन कर लेता हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा कि हम सारे लेटर को मर्ज किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर लूँगा, यहाँ पे जो भी मैंने बनाया है, ओके, जो भी मैंने अभी तक बनाया है उसको मैं मर्ज करूँगा। सबसे पहले यहाँ पे मेरे को पब्लिक, पहले यहाँ पे एक नॉर्मल कोड रन करूँगा, स्टैटिक वॉइड, फिर उसके बाद मैं रन करूँगा मेन, और उसके अंदर मैं करूँगा कि स्ट्रिंग स्ट्रिंग डॉट ये RARGS, और यहाँ पे मैंने ये कर लिया, मतलब यहाँ तक मेरा फिक्स हो गया। अभी मैं इसमें का सबसे पहले मैं जे का कोड उठाऊंगा, जे का पे लिखा था मैंने कि मैं जावा यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या प्रिंट कर क्या उठा लूँगा, जी पूरा जो ये है ना इंट इंट के अंदर की पूरी लाइन मैं यहाँ पे उठा के यहाँ पे टाइप कर लूँगा, इसको मैं अनकमेंट कर दूँगा। ये कर लिया और मैं अभी रन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जे प्रिंट हो रहा है मुझे। मैं इसके नीचे क्या चाहता हूँ, जे के नीचे मुझे ए भी प्रिंट हो जाए, जो मैंने ए बनाया था ओ। तो मैं इंट नहीं उठाऊंगा, बट मैं इसके बाजू का ये लाइन उठा लूंगा, और मैं इसके बाद क्यों क्या देखो अभी ये है, तो मैं इसके अंदर ही इसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, ये मैं प्रिंट कर देता हूँ। इसको मैं अनकमेंट करके, सबसे पहले ये मैं अनकमेंट कर दिया और मैं अभी प्रिंट करूंगा। तो देखो जे और ये, बट मैं क्या चाहता हूँ कि ये यहाँ पे ना प्रिंट होके ये जो अभी ये यहाँ पे प्रिंट हो रहा है यही उसकी लाइन यही लाइन में प्रिंट हो जाए। तो मैं इसको ये हटा के ये यहाँ पे ये कॉपी ना होगा, ये कॉपी करूँगा सिंपली, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, और ये प्रिंट एलन की जगह प्रिंट सिप डाल दूंगा, और अभी अभी भी वही आ रहा है। तो अभी मैं क्या कर दूंगा, ये इसको डाल के इसको प्रिंट कर दूंगा सिर्फ, इसमें कुछ भी नहीं लिखूंगा, सिर्फ ऐसा सिंपल डाल के मैं कर दूंगा और एंटर दबा दूंगा, तब भी एक ही लाइन में आ रहा है। तो मुझे अभी ये हटा के, हाँ 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 ये है, इसको मुझे बंद करना है, और यही सिर्फ मुझे क्या करना है इसी इसमें मुझे डालना है। तो ये मैं एक बार डाल के देखता हूँ कि नहीं, यहाँ पे गड़बड़ हो जा रही है पूरी लाइन की। तो ये मेरा है, तो मैं आपको बताऊँगा यहाँ भी क्या करना है। देखो तो देखो गाइस जो एरर आ रहा था वो देखो, यहाँ पे मैं सबसे पहले क्लियर कर लेता हूँ, पहले मैंने क्लियर कर लिया। अभी देखो अभी जो ये है इसमें सिर्फ मुझे क्या कॉपी करना है, जी मेरा जो आई लूप नहीं करना है, जे लूप कॉपी करना है। जे लूप कहाँ से, यहाँ से, तो यहाँ तक ही मैंने कॉपी कर लिया, और ये करने के बाद जो हमारा सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एलन था उसके ऊपर मुझे पेस्ट करना है। ये मैंने उसके ऊपर प्रेस कर लिया और उसको मैंने अनकमेंट कर लिया, लेकिन अभी मुझे इसके ऊपर ये फिर से टाइप करना है, मतलब ये, बट इसमें से हमने आउट डॉट प्रिंट सिर्फ मुझे प्रिंट करना है एलन, मुझे हटा देना है। और ये मैं जब करूँगा तो देखो जी ए आ गया यहाँ पे बड़े आराम से, जी ए मैं एक बार फिर से टाइप करके देखता हूँ। देखो थोड़ा सा गैप बढ़ गया। अभी फिर से मैं क्या चाहता हूँ कि अभी मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे फिर से मैं इसके पास फिर से जावा वी चाहिए मुझे, मैं जावा पूरा एक जो है उसका वर्ड मैं यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो मैं सबसे पहले जाऊँगा वी का पे, हमारा वी जहाँ पे होगा मैं वहाँ से उसको ढूंढ के ये वी वाला कोड इसमें का मुझे क्या चाहिए, जे लूप वाला जे लूप ले लूँगा, फिर उसके बाद मैं कहाँ पे प्रिंट करूँगा इसके ये हो गया, ये हमारा पूरा फॉर्मेट कर लूँगा, मतलब थोड़ा बहुत दिखे कैसा है, हाँ ये फॉर्मेट होगा, ये वहाँ पे सब खत्म हो रहा है। तो मैं यहाँ पे फिर से पेस्ट करूँगा, इसको मैं अनकमेंट कर दूंगा, जो ये मेरा कोड है यहाँ पे मैं डाल दूंगा, फिर इसको फिर से मैं क्या करूँगा ये प्रिंट निकाल लूंगा, फिर से मैं पेस्ट करूँगा। तो देखो वी आ रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है बिकॉज थोड़ा बहुत हर इतना परफेक्ट नहीं हो रहा है, बट हो रहा है, इट इज़ वर्किंग, नॉट कुछ ना होने से अच्छा है कुछ तो भी है ना, होता जावा जावा का बाद में अभी वी। अभी आप देखो जावा, देखो लिख क्या आ रहा है जावा, देखो यहाँ पे कितने आसानी से और कितने खूबसूरती से जावा लिख के आ रहा है। आई होप आपको समझ में आऊंगा कि जावा किस तरह से लिखते हैं,
और मतलब आप किस तरह से एक लाइन में दूसरे लाइन मर्ज कर सकते हो, आप इसका यूज करके आपका नाम भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने सिंपली जावा का यूज किया है, आप कंसोल की मदद से आप यहाँ पे इस तरह से लिखते हो। इफ यू एनी क्वेरी देन कमेंट मी। थैंक गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।